हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास टेंथ का दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले जो कंपटीशन लेवल में कुछ जीएस पूछा जाता है उसका एक शानदार मैं ट्रिक देने वाला हूं, जो अक्सर विद्यार्थी को याद नहीं रहता है। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगेगा। देखिए इसका शानदार ट्रिक क्या है। क्वेश्चन है आपका कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, किसने खोजा था। ठीक है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल यानी शून्य चार्ज होता है, जीरो चार्ज होता है। ठीक है, अब कैसे पता करें कि इसके और इसके और इसके खोजकर्ता कौन थे। एक ट्रिक है ईट पर नाश, ईट पर नाच, देखिए मजा आ जाएगा। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इसके खोजकर्ता थे थॉमसन यानी थॉमसन। ठीक, इसके बाद पी से होता है प्रोटॉन, इसके जो खोजकर्ता थे यानी र यानी रदरफोर्ड, और नाश यानी न से होता है न्यूट्रॉन, और इसके जो खोजकर्ता थे वो थे चैडविक, चैडविक। तो अब रटने की जरूरत नहीं है। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे थॉमसन, पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड यानी प्रोटॉन के खोजकर्ता थे रदरफोर्ड, एंड एन से यानी नौ से न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉन के जो खोजकर्ता थे वो थे जेम्स चैडविक। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। चलिए, कल के वीडियो लेक्चर में हम आपको पढ़ाए थे कुछ बेसिक टॉपिक्स, ठीक, रियल नंबर्स के बारे में, और आज हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, कहां से आया, ये समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो देखिए, यहां है दो धनात्मक पूर्णांक यानी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी दिए रहने पर, यानी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक, अद्वितीय मने होता है अलग पूर्णांक संख्याएं क्या प्राप्त होगा, Q और R विद्यमान अगर है रहे तो A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो लेस देन R लेस B, यानी R जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा या फिर जीरो के बराबर होगा, इसका मतलब ये होता है, लेकिन शेषफल जो होगा वो भाजक से छोटा होगा। अब ये चीज कहां से आया आप देख लीजिए, शायद आप पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी यहां देख लीजिए, यहां है भाज्य, यहां है भाजक, यहां है भागफल, और यहां पर क्या है, यानी कि भाजक क्या, यानी भाज्य हो गया ए, भाजक हो गया बी, क्यू हो गया क्वेटेंट यानी भागफल, और आर हो गया आपका रिमाइंडर्स यानी शेषफल। तो ये जो आप देख रहे हैं फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वो चीज यहीं से आया है। ठीक, अब इस चीज को आप समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो जीरो लेस देन आर लेस बी यानी शेषफल जो है वो शून्य के बराबर और शून्य से बड़ा होता है, किंतु
भाजक से छोटा होता है। कैसे समझिए, एज लाइक देखिए एग्जाम्पल, जैसे 23 में हम 2 से भाग करते हैं। अब समझ गए होंगे ये भाज्य है और ये भाजक है। 2 एकम 2 कट गया और फिर उतर रहा है 3। इसमें भी देखिए 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, यानी ये हो गया क्वेटेंट, ये हो गया भाज, ये हो गया भाजक और ये क्या हो गया रिमाइंडर्स। अब देखिए यहां पे कि 0 जो है यानी शेषफल जो होगा, चाहे तो यहां पे 0 हो सकता है यानी 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो यहां क्या है, 0 से बड़ा मतलब बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। शेषफल लेस भी है मतलब कि शेषफल जो होगा वो भाजक से छोटा होगा, यानी कि भाजक कौन सा है, 2 है, देखिए छोटा है कि नहीं भाजक से। तो यही ये चीज है और ये चीज ये है, यहीं से ये चीज आया है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अब हम जानेंगे एल्गोरिथम, यानी कि एल्गोरिथम जो है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है या विधि प्रदान करती है। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयता को कैसे हल करना है इसके कुछ स्टेप्स दिए हुए रहते हैं, उसी को हम कहते हैं एल्गोरिथम। वो कौन कौन स्टेप्स है, अब देखिए, ये देखिए यहां पे आप 2 धनात्मक पूर्णांक को, यानी मान लीजिए ए और बी है 2 धनात्मक पूर्णांक, और इसमें ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए, यानी भाज्य जो है वो भाजक से बड़ा होना चाहिए। इसका जो है HCF ज्ञात करने के लिए नीचे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जो इस प्रकार है, यानी स्टेप नंबर 1, चरण नंबर 1, ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयता का प्रयोग कीजिए। हम ऐसे ज्ञात करते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन आर मतलब 0 शेषफल के बराबर या 0 से शेषफल क्या है, 0 के बराबर या शेषफल 0 से बड़ा हो और भाजक से क्या हो, छोटा हो। ये स्टेप अभी हम बाय एग्जांपल समझाएंगे, पहले स्टेप को आप देख लीजिए। स्टेप नंबर 2, यदि रिमाइंडर्स 0 होता है, शेषफल 0 होता है और बी पूर्णांक ए तथा बी का वो, तब क्या होगा, HCF हो जाएगा। बी मतलब भाजक, यानी रिमाइंडर्स भाग देते देते अगर शेषफल 0 आ रहा है तब उसका ए और बी पूर्णांक का जो HCF होगा वो क्या होगा, वो बी हो जाएगा। ठीक, यदि आर नॉट इक्वल 0 यानी आर अगर 0 के बराबर नहीं है तो बी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम प्रयोग फिर करते रहेंगे। अब स्टेप नंबर 3 को देखिए, अब देखिए इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे, वही भाग प्रक्रिया को, विभाजन प्रक्रिया को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल आर 0 प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक हम लोग इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। और इसी प्रकार हम प्राप्त भाजक को हम वांछित HCF यानी उसी को हम मोस समझ लेंगे जब रिमाइंडर्स 0 आ जाएगा, जहां पे कटा होगा। अब कैसे, इस तीनों स्टेप को बाय एग्जांपल समझिए। अब देखिए अभी जो आप स्टेप समझे, 3 चरण को समझे, अब वही चीज को समझना है कि यूक्लिड विभाजन से कैसे हमको HCF निकालना। तो करना क्या है देख लीजिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2 संख्या है ए और बी। हम आपको ये भी बोले थे कि भाज्य बड़ा होना चाहिए भाजक से, तो वही है 140 क्या है, बड़ा है, सॉरी 285 क्या है, बड़ा है किससे,
40 से, यानी ये भाज्य है और ये भाजक है। अब हम शेषफल और भागफल प्राप्त करेंगे इससे। तो देखिए साइड में ये बनाना है, 140 दुना होता है 280, 5 ये खत्म, फिर यहां पे 140, यहां तो रिमाइंडर हम जीरो प्राप्त नहीं किए हैं। जब तक हम शेषफल जीरो प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम बी को ऐसी आप घोषित नहीं कर सकते हैं, यानी 5 दुना 10, 4 कट गया, 15 है 40। अब देखिए शेषफल यहां क्या आ रहा है, शून्य, तो अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5, लेकिन हमको बैठाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब लिखेंगे यहां यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये आप क्या पढ़े थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पढ़े थे, और क्या पढ़े थे कि जहां जीरो लेस देन आर लेस बी, ठीक। अब देखिए ये ए है भाज्य, बी भाजक, ये भागफल और ये शेषफल, इसका भाज्य कितना है तो 250, इसका भाजक कितना है 140, भागफल कितना है 2, इसका शेषफल कितना है 5, मतलब शेषफल 5 है। तो अभी कोई तब तक हम जो है ये प्रक्रिया चल करते रहेंगे जब तक मेरा शेषफल जीरो नहीं आ जाए। अब यहां क्या है भाज, अब इसको देखिए 140, 140 के लिए फिर क्या करेंगे, भाजक गुना भागफल, यानी 5 गुने 28 प्लस इसका शेषफल भैया कितना है, शून्य है। जब शेषफल जीरो आ जाए तो तब हमको देखना है कि ये किस संख्या से कटा है लास्ट में, वो 5 से कटा है, तो मतलब समझ जाना है आपको इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 5। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रक्रिया से एचसीएफ मालूम करना। ये प्रोसेस आपको रब में करना है, बाकी ये प्रोसेस यहां करना है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसी प्रकार का एक और हम एग्जाम्पल दिए हैं, उसको आप समझ लें। सेम फिर स्टेप करेंगे भैया, एकदम समझिए इसको। फिर यहां देखिए इसमें भाज्य किसको मानिएगा, 75, भाज्य बड़ा होना चाहिए किससे, भाजक से, तब ना भैया भाग कीजिएगा। तो देखिए मजा आ जाएगा, आपको पता होना चाहिए 35 दूना 70, फिर 5 कट गया। अब क्या है भैया यहां देखिए शेषफल 5 आया, जीरो आया नहीं ना, अब इसको यहां उतारिए 35 को, 5 सते 35, इसका खेल खत्म 35 का, और शेषफल क्या आ रहा है यहां पर, शून्य। जब शेषफल शून्य आए तो आपको समझ जाना है बस इसी फॉर्मूला पे आपको फिर ठीक करना बैठाना है। तो चलिए मिटाते हैं, आपको पता होना चाहिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बैठा लीजिए। तो ए कितना है 75, बी क्यूब है तो 75 प्राप्त करने के लिए 35 गुना 2, और इसका रिमाइंडर कितना है 5, मतलब गुना कीजिएगा और जोड़िएगा तो आपको 75 प्राप्त हो जाएगा। अब हमको शेषफल जीरो तक पहुंचना है, तो शेषफल जीरो तक पहुंचने के लिए अब इस भाज्य को लीजिए यानी 35 को, तो 35 बराबर हो जाएगा यानी कि 5 गुने 7, इसका रिमाइंडर कितना है शेषफल, वो है जीरो। जब शेषफल जीरो आ जाए तब आपको देखना है कि ये बबुआ किससे कटा है लास्ट में, 5वां से कटा है ना, तो यही एचसीएफ हो जाएगा। तो है ना मजा आ गया ना यार दोस्त, मजा आया ना, बहुत मजेदार चीज है। अब उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अब आपके बुक में जो एक्सरसाइज 1.1 है, पहला जो क्वेश्चन है वो यही है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका के मदद से जो है एचसीएफ ज्ञात करें। तो उम्मीद करते हैं दो एग्जाम्पल से बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे,
बहुत मजा आया होगा, अब बना भी लेंगे, ये आपका एक्सरसाइज रहा। धन्यवाद।